तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्मूले की क्लासेस में डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। जी हाँ, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन हमें आपने स्कूल लाइफ में बहुत परेशान करता था और अभी भी इसमें भी परेशान करेगा। तो क्या है डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेट कैसे टाइप करें। ठीक है, डेट का कई फॉर्मेट होता है, MMDD, YY, YDD, MM, इस तरह के फॉर्मेट होता है। तो आपका सिस्टम फॉर्मेट क्या है, इसके लिए आप चेक करें अपने यहाँ पे टाइम, नीचे टाइम चेक करें कि आपका टाइम कैसा आ रहा है। अगर आपका टाइम आ रहा है, जैसे मेरा टाइम आ रहा है 2/11/2021, मतलब कि पहले मंथ आ रहा है। तो मुझे अगर डेट टाइप करना होगा, तो पहले यहां पे लिखूंगा मंथ, फिर आज की डेट 11। अब डेट करेंट ईयर की है, 2021 की है, तो आपको /2021 डालने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस कर दीजिए। अदरवाइज आप डाल दें अगर प्रीवियस या फ्यूचर ईयर हुआ तो। डेट का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो आ जाएगा, और कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताया था कि इसको फॉर्मेट कैसे चेंज किया जा सकता। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है फॉर्मेट्स की। अब मेरा जो डेट का फॉर्मेट है सिस्टम का है वो MM/BD/YY, ये आपको एक गारफ ऐप दिखना है। लेकिन अगर मान लीजिए अतुल जी को मैंने फाइल मेल के लिए, और अतुल जी का सिस्टम है DD/MM/YY, तो ए हो जाएगा आपका 2nd November। तो मेरा जो मंथ है उनका डेट बन जाएगा, और उनका जो डेट है मेरा मंथ बन जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको बहुत सारे लोगों को मेल करना है और ऐसी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ऐसी आपने ऐसी देख लिया है कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है डेट को डेट फॉर्मूले में भेज दें कि 2021, 2, 11। डेट की आप इसको एंटर प्रेस करता हूं, अब एक किसी भी सिस्टम फॉर्मेट पे फाइल जाएगी, वहां पे आपको 11th February ही दिखेगा। समझ गए? सर ये कस्टम से भी कर सकते हैं ना डेट में जाके? बोल रहे हैं कस्टम से भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, कस्टम से सिर्फ फॉर्मेट चेंज होता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता। मैं आपको पहले ही बताया था कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग 10 विजुअल चेंज करती है, ओरिजिनलिटी चेंज नहीं करती है। अब डेट लिखने में दिक्कत होता है, तो डेट को सेपरेट कैसे करें? तो ईयर का फॉर्मूला है जो किसी डेट से ईयर को अलग करता है, मंथ का फॉर्मूला है किसी डेट से मंथ। प्लीज म्यूट कर ले, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। और फिर यहां पे डे का फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर डेट से डे को अलग करता है। तो हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि ईयर अलग करता है किसी डेट में से, मंथ मंथ अलग करता है, और डेट डे अलग करता है। और हमारे पास एक डेट का फॉर्मूला है जो थोड़ा देर पहले बताया, उसको आपस कंबाइन करता है। अब आगे चल के इसका यूज भी आपको मैं समझाऊंगा कि इसका यूज क्या है। मेरा एक वो है, इसमें जो हमने डेट करके जो मैनुअली डाला ना डेट के फॉर्मेट चेंज ना हो वहां जाके दूसरे किसी पर, इसमें सर लेकिन मेरे पास बहुत सारी डेट है, तो मैं कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग लगा दूँ? बहुत सारी डेट मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेल में है, तो मैं वहाँ पे DD MM YY सेलेक्ट कर लूँ कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू, और वो चेंज नहीं होगा क्या वहाँ जाके? तो सर आप फॉर्मेट कुछ भी करेंगे, फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, आप फॉर्मेटिंग चेंज कर दिखावा चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई एक फाइल है उसमें बहुत सारी डेट है, तो मैं मंथ का डेट ना बन जाए इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मतलब मैनुअली तो एक एक डेट चेंज नहीं कर सकता मैं, मतलब हाँ, उसका तरीका हम आगे बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए सर। ओके ओके ओके
ओके, अगर मेरे पास पहले से ही कहीं डेट पड़ी हुई है तो मैं हाँ उनको मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम की, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन दी जाएगी, बस सब्र रखें थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक ठीक तो मैं चल रहा हूँ, चलने दीजिए, आएगा सबकी बारी आएगी। तो हम पहले अभी हम बात करें डे टाइम की कैलकुलेशन, हम डेट कन्वर्जेंस पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो किसी पर्टिकुलर डेट में अगर आपको कैलकुलेट करना, जैसे कि 20 डेज का कैलकुलेट करना, तो आप यहां इसमें प्लस, जस्ट प्लस कर सकते, और मुझे इसमें से अगर मान लीजिए सर एक मिनट सर, जो 20 डेज ऐड किया है वो 11 फरवरी के बाद से काउंट होगा ना, उसी डेट को 11 फरवरी के बाद से काउंट होगा, जैसे कि इसमें अगर एक दिन ऐड होते हैं तो यहाँ पे सर, मुझे मुझे उसे 12 फरवरी को भी काउंट करना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं? अभी मेरे पास एक कम कर दीजिए ना, तो आप सिंपल सा कॉमन सेंस है सर, तो कि अगर मान लीजिए 20 है तो आप चाहते हैं कि 12 से काउंट करे, तो सब ऐसी बात है कि आज इसमें एक माइनस कर दीजिए, समझ गए? चलिए, या एक प्लस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो मैं बात कर रहा हूं महीने का, कि किसी पर्टिकुलर डेट में जितना महीना ऐड करना है कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ई डेट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ई डेट फॉर्मूला मंथ ऐड कर देता है, ठीक है ना? तो आपका जो दिन है 11 मई वो फिक्स रहेगा, बस इसमें मंथ ऐड हो जाएगा। अगर आप घटाना चाहते हैं तो -3 कर दे, ठीक है? इस तरह से महीने ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे मैं लगाता हूं फॉर्मूला टुडे का, मतलब कि टुडे सिस्टम डेट देता है, मुझे इसमें 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इस मेथड को जो ऊपर मैंने बताया था कि आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना देन कंबाइन करना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम डेट फॉर्मूला लगाएंगे, डेट में ईयर का फॉर्मूला देके हम इसमें से ईयर अलग करेंगे। अब जो 2021 अलग हुआ है उसमें हम देते हैं 2, उसके बाद हम मंथ का फॉर्मूला ऐड करेंगे और इसमें से मंथ को अलग करेंगे एंड प्लस 4, एंड डे का फॉर्मूला में हम डे अलग करेंगे एंड प्लस 22। हाँ देखिए, आपको 2 साल 4 महीने और 22 दिन आप सभी को समझ में आया कि किसी पर्टिकुलर डेट, डेज, मंथ और एक पीरियड को एक डेट में हम कैसे ऐड करते हैं? जी सर, जी सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमने एडिशन सीख लिया, तो अब सब्ट्रैक्शन सीखना है ना सर, मुझे दो डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज हुए हैं ये पता करना है। तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, सिंपल सा आ गया। या फिर इसके लिए आप यहां पे डेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पे लेटेस्ट डेट कॉमा ओल्डेस्ट। एक आपका आता है डेज 360, ये भी स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, ये भी आपका डिफरेंस निकालता है। आप बोलेंगे सर इसमें एक कम क्यों है, ऐसा तो नहीं कि मान लो कि इसने सेकेंड जैन और फर्स्ट जैन का ऐसा किया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डेज 360 क्या है कि ये आपका साल को 360 दिन लेता है, मतलब कि 5 दिन को छोड़ देता है, तो जो डिफरेंस निकालता है वो 60 दिन के बिहाफ पे ही निकालता है। मतलब कि एक साल अगर यहाँ पे अगर 1 जनवरी 31 जनवरी दें तो ये 360 देगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पहले या अभी भी हो सकता है ये 360 दिन के होते हैं, वो 5 दिन लेजर मेंटेन और बाकी ऑफिशियल वर्क के लिए लिया जाता था, ठीक है सर? अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसमें से नेटवर्क डे चाहिए, वर्क डे, मतलब कि सैटरडे संडे और जो होली डे है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा होली डे है कि 14 फरवरी को छुट्टी था,
26 जनवरी को छुट्टी था, थर्ड फरवरी को छुट्टी था, इस तरह की छुट्टी, और आगे भी है 15 अगस्त भी है, ऐसा नहीं कि इन दोनों डेट के पीरियड में ही है, फ्यूचर डेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप नेटवर्क डेज लगा सकते हैं, नेटवर्क डेज में स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और हम यहाँ पे होलीडे लिस्ट सिलेक्ट करते हैं, और लिस्ट हो सकता है इस डेट के बाद को पूरे साल का लिस्ट ले लीजिए, जो इन दोनों के बीच का डेट होगा उसको कंसिडर कर लेगा और एग्जैक्ट वर्किंग डेज देगा, सैटरडे संडे और इन डेट को काउंटिंग को नहीं, काउंट वर्किंग डे में काउंट नहीं करेगा। लेकिन सैटरडे संडे ऑफ तो होता नहीं है हर हर ऑफिस में, तो एक फॉर्मूला है नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, जिसमें हम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं अपना वीक, आपका वीक कौन सा है, मतलब छुट्टी कब होती है, तो छुट्टी में हमने सेलेक्ट कर लिया संडे, और फिर हमने सेलेक्ट किया अपना होलीडे लिस्ट, तो बताया कि संडे के अलावा 33 डेज है। ओके, तो दो डेट के बीच में हम इस तरह से डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन मुझे डिफरेंस निकालना है, जैसे किसी की एज है, डिफरेंस की बात आती है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड में कि मुझे डेज में चाहिए, तो डेज में तो माइनस कर लेंगे, मुझे मंथ में चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस डेट को हमने कुछ लोन लिया था और लोन कैलकुलेशन मंथली है, तो हाउ मेनी मंथ, इन दोनों के बीच में कितने मंथ, क्योंकि अगर हम डिफरेंस निकाले तो डेज में आता है, मुझे डेज में नहीं चाहिए, मुझे मंथ में चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेट डी आई एफ, कुछ लोग इसको डेट डिफरेंस डेटेटिव भी कहते हैं, बट एक डेट डी आई एफ होता है, ये एडेंस का फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला लिस्ट में आता नहीं है। हमने दो डेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा में एम दे दिया, Y दीजिए तो ईयर, M दीजिए तो मंथ, और D दीजिए तो डे आता है। देखिए 77 महीने हुए, इसे जो महीना कंप्लीट होता वही होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे एक तारीख दे देता हूं, यहां पे आप देखेंगे एक ही महीना, क्योंकि दूसरा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो महीना कंप्लीट होता है वही दिखाता है। ऐसे आप किसी की एज वगैरह भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10th जुलाई 1987 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, ये आज का डेट है हमारा, 10th जुलाई नहीं है, 10th अक्टूबर हो गया, तो मुझे चाहिए कि वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का है। तो डेट डी आई एफ का इस्तेमाल हम करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा डेट को सेलेक्ट किया और इन्वर्टेड कॉमा में वाई दे देंगे तो ईयर आ जाएगा, फिर यहां पे डेट डी आई एफ हमने किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा इसको सेलेक्ट किया और यहां पे हम कर देते हैं वाई एम, क्योंकि यहां पे अगर M करेंगे तो ऊपर की तरह वो नंबर ऑफ मंथ में दे देगा, लेकिन मुझे ईयर के बाद में 33 के बाद कितना महीना है वो चाहिए, तो हमने वाई एम इसके अंदर डाला तो 7 आ गया। फिर वापस हम यहां पे डेट डी आई एफ और हमने स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और इसके बीच में हम वाई एम डी नहीं सिर्फ एम डी करेंगे, यहां पे आपका आ जाएगा। तो डेट को कैसे, दो डेट को बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया।
तो कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के पास? जो फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, ये जो डेट डिफरेंस फॉर्मूला है इसका एडेंस में नहीं है तो इसका कुछ टिप नहीं आता, जैसे हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्या डालना है? क्या बोला है, ये एडिंस फॉर्मूला है, इसे लिस्ट में नहीं आएगा, इस थ्रू से भी आ रहा है, पुट इसको इनेबल नहीं कर सकते, नहीं आ रहा है, नहीं मतलब हम ऐड इन ऐड करके कुछ नहीं कर सकते कि ये आने लगे, मतलब लिस्ट में नहीं आता, जरूर आता। अब एक और आता है, अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए, मान लीजिए कि मैंने कोई हमारा जो सालाना मतलब एक काम हमने किया है और हमारा जो पेमेंट सालाना है तो मैंने एक पीरियड में किया, तो मुझे ये पता करना है कि हम कितना परसेंट काम कर लिए। उसके लिए होता है ईयर फ्रीक्वेंसी, ईयर फ्रैक, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारी ये परसेंट आ जाएगा कि 11% परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 11% या कुछ परसेंट आपके यहाँ दिखेगा। तो 365 के बिहाफ पे परसेंटेज बताता है कितना परसेंट यूज हो चुका है। उसके बाद डेट के कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि कोई डेट डालते हैं तो मुझे इस डेट का, इस महीने का लास्ट डेट चाहिए तो ईओ मंथ का फॉर्मूला लगता है, इसमें हम जीरो कर देते हैं तो सेम महीने का लास्ट डेट निकल जाता है। इसमें अगर हम वन करेंगे तो अगले महीने का, टू करेंगे तो अगले के अगले महीने का, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा और ऐसे माइनस में आएंगे तो प्रीवियस का है। लास्ट डेट ऐसे अगर हम कुछ डेट डालते हैं, जैसे हमने डेट डाला और मुझे इसका वीक चाहिए, वीक एक हमारे पास फॉर्मूला होता है वीक नम का, ईयरली बेस पे चलता है, याद रखिएगा, वीकली नहीं चलता है, वीक नम देता है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक होता है वीक डे जो कि बताता है कि महीने का वीक क्या चल रहा है। इसमें बताना पड़ता है आपका वीक स्टार्ट कब से होता है, मंडे से या संडे से या कुछ और डे से। देखिए मुझे संडे मंडे में चाहिए, मतलब टेक्स्ट में, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो संडे मंडे आ जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े इसमें, अब हम डेट को टेक्स्ट में लिख दिए हुए हैं, वो डेट वैल्यू से हम कन्वर्ट कर देते हैं डेट। अब आते हैं, किसी ने अभी सवाल पूछा था कि उनका फॉर्मेट बिगड़ा हुआ तो कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का डेट का फॉर्मेट आ गया, इस तरह का डेट का फॉर्मेट, बहुत सारे डेटा है, इसको डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है इसको डेट में कन्वर्ट करना, कि आप इसके लिए जाएंगे डेटा मेनू बार में, टेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां पे एम डी एम वाई को सिलेक्ट कीजिए एंड फिनिश कर दीजिए, डेट में कन्वर्ट हो गया। तो आपका ऐसा किसी ने आपको डेट भेजा तो इस तरह के डॉट फॉर्मेट में हो या फिर उसके सिस्टम MMDDY के फॉर्मेट में हो, DDMMY फॉर्मेट में हो, उसका मंथ आपका डेट बन जाता है, तो उस केस में टेक्स्ट कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी भेज देते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इस तरह के डेट फॉर्मेट भी आता है, इसको भी डेट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां पे YMD, ठीक है सर, समझ में आ गया आपको? नहीं सर, मेरा सही करना नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जो DDMMYY में जो डेट भेज रहा हूं उसके भी फॉर्मेट में वही रहे, मैं चेंज ना हो उसके। सर मैंने आपको क्या बोला, आपको कि वो तो आपकी एक्स, ये जो चीजें हैं ये चीजें एक्सेल का पार्ट थोड़ी है, ये चीजें पार्ट है किसकी, वो चेंज होगा ही सिस्टम का ना, अवॉइड नहीं कर सकते उसको हम लोग कैसे। जी हाँ, इसलिए तो मैंने आपको क्या बताया, ये तरीका बताया है ना आपको सर हमने, ये डेट का। नहीं नहीं ठीक है सर, वो एक डेट के लिए तो हम मैनुअली लिख सकते हैं सर, तो ये एक ही तो सर, आप ध्यान, अब लगा क्लास में ध्यान आपका नहीं है,
तो उसके बाद हमने आपको क्या बताया, ये बताया कि नहीं बताया? अगर आपके पास बहुत सारा डेट है तो आप क्या करेंगे, डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे आप क्या करेंगे, ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से ईयर अलग कर लेंगे, मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे से मंथ को अलग कर लेंगे, डे का फॉर्मा लगाएंगे इससे डे को अलग कर लेंगे, ठीक है? फिर इसको कॉपी करके वैल्यू बेस मार देंगे, डिलीट कर दीजिए, ठीक है, और भेज दीजिए अलग अलग। आप देखते हैं जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे जाइए और बहुत सारे जब जीमेल वगैरह पे या और भी बहुत सारे फॉर्मेट पे जानते हैं, तो वहां पे जो आपसे डेट मांगता है वो ईयर मंथ और डे अलग अलग मांगता है ना। आपने फॉर्म भरे होंगे ऑनलाइन, जो वेबसाइट फॉर्म भरते होंगे तो देखा होगा, क्यों मांगा जाता है? इसीलिए मांगा जाता है कि किसी को अगर मैंने 11 फरवरी डालना हो और उसने अपने डेट के हिसाब से डाल दिया है, मान लीजिए डाल दिया तो यहाँ सिस्टम में आ गया 2 नवंबर, इसलिए अलग अलग दिया जाता है आप, यू कैन सेपरेट, समझ गए? यस सर, अब क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर, तो सेपरेट करके दीजिए आप, ऐसे बोला है। तो डेट की कैलकुलेशन मैं यहां पर समाप्त करता हूं, अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके सर, ओके बाय, गुड नाइट।